जनपद कानपुर देहात के थाना मूसानगर क्षेत्र लवरसी गांव में चोरों ने किया लाखों का सामान पार। जी आपको बता दें, योगी सरकार में लुटेरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन चोरी की घटनाओं को चोर अंजाम दे रहे हैं। नकदी जेवर, मोबाइल फोन समेत लाखों रुपए का सामान तड़ी पार किया गया। मौके पर पहुंची थाना मूसानगर पुलिस के द्वारा वारदात की जांच भी की गई। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के सख्त होने के बावजूद भी लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। इसके पहले भी मूसानगर थाना क्षेत्र में लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से सर्वेश यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? लवरसी। अच्छा, ये जो चोरी की घटना हुई है आपके घर में, ये करीब कितने बजे की घटना है? लगभग 11 बजे तो हम सोए, उसके बाद की घटना है। रात की? जी। ठीक है, तो इसमें चोरी में क्या क्या गया है आपका? चोरी में एक मोबाइल है, एक एटीएम है, एक आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और 10,500 रुपये है जी। और अंदर से ज्वेलरी में एक सोने की जंजीर, झुमकी एक जोड़ी जी, और दो अंगूठी। लगभग कितने रुपए का सामान होगा टोटल जो आपका होगा? लगभग, और दो पावर बैंक है जी, और उसमें से कुछ और भी छोटा मोटा सामान तो उठाया, तो उसका तो छोड़ ही दो। जी जी जी। और लगभग 1,00,000 के ऊपर पहुंचेगा। 1,00,000 के ऊपर आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, इस घटना की सूचना आपने संबंधित थाना में दी या नहीं दी है अभी आपने? पुलिस को फोन नंबर को बुलाया था जी, और प्लस थाने से थाना अध्यक्ष जी आए थे जी, वो विवेचना कर गए और तहरीर देने के लिए बोल के गए, तो उसके लिए अभी हम थाने जा रहे हैं जी।